सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बात चल रही है रेडियो एक्टिविटी के बारे में। टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन की, और उसमें अभी हम सब टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी। इससे पहले हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, प्लीज गो बैक एंड सी दोज वीडियोज। न्यूक्लियर एनर्जी है क्या? तो देखिए, जब भी न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है हमें, कैसे मिलती है, जब भी एक न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो मास ऑफ रिएक्टेंट है वो मास ऑफ प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा होता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दैट योर मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मींस रिएक्शन जब हो गई तो कुछ मास गायब हो गया, वो मास कहां पे गया? इसी चीज को समझाने के लिए आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर मास और एनर्जी का इक्विवेलेंस बताया। उन्होंने बताया कि मास और एनर्जी इंटरचेंजेबल है, मतलब जो मास खत्म हुआ, जो मास डिफेक्ट आया वो कहीं और नहीं गया है, उसकी कुछ एनर्जी बन गई है। और उन्होंने एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया दैट ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यहाँ पे ई जो है वो होती है एनर्जी, डेल्टा एम को हम मास डिफेक्ट बोलते हैं DEFECT, और सी जो है ये होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसको हम 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड से दिखाते हैं। इसको मास डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, जिसके बारे में हमने बात किया था। अब ये किसके बराबर होता है, क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। और अब हम बात करेंगे अपनी फेवरेट इक्वेशन दैट ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आजकल तो टी शर्ट्स के ऊपर भी लिखा आने लग गया है दैट ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं। तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, अगर हम देखें कि एक किलोग्राम अगर मास हो, हाउ मच एनर्जी इन वन किलोग्राम मास, तो देखते हैं इस रिलेशन के हिसाब से E इज इक्वल टू एम की जगह 1 ले लो और C की जगह ले लो 3×10⁸ का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है 9×10⁶ जूल बोल सकते हैं हम यहाँ पे। अब ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा होती है, हमें पता है 1 kWh किसके बराबर होता है, जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, जिसकी हम एक यूनिट के कुछ पैसे देते हैं, जो आपके घरों में जो बिल आता है वो किलोवाट आर में आता है, ये क्या है कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। इसको हमने ऑलरेडी पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को 1 kWh किसके बराबर होता है 3.6×10⁶ जूल। तो अगर हम इसको किलोवाट में आर में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें मिलेगा 9×10⁶ को हम 3.6×10⁶ से यह 16, तो हमें कितनी यूनिट मिलेंगी 2.5×10⁰ किलोवाट आर पावर। ये बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी है, 1 kg ऑफ मास में बहुत ज़्यादा ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी यू कैन हैव। यू कैन सी 2.5×10⁰, मतलब 2.5 के बाद 10 में और 10 जीरो ऐड कर दो, इतनी बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको मिल जाता है, तो जो बहुत बड़ा एनर्जी है। इससे पहले आपने 9th क्लास में एक बात पढ़ी होगी AMU। AMU का मतलब क्या था? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में हमने पढ़ा था, एटॉमिक मास यूनिट क्या था, चलिए उसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो 1 AMU एटॉमिक मास, हमने इसको कार्बन से समझा था, बिकॉज जिस टाइम पे हम एटॉमिक मास यूनिट को डिफाइन कर रहे थे हमें कार्बन का ही क्लियर कट पता था, इसलिए हम रेफरेंस के लिए कार्बन ही रखते हैं। तो उसको हमने क्या बताया, 1 atom ऑफ कार्बन कितना हैवी होगा, तो 1/12, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन 6 12 की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसका 1/12×12 जो उसका मास था डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 6.023×10⁰³, और किलोग्राम में ले लेंगे तो इसको 10⁶ ले लेंगे हम, तो आपके पास ये आ जाता है 1.66×10⁻²⁷ kg। 1 AMU किसके बराबर हो गया, 1 AMU आपके इसके बराबर हो गया।
अब ड्यू टू द लॉस ऑफ मास वन एएमयू एनर्जी कितनी होगी, इससे पहले हम देख चुके हैं कि एक किलोग्राम में कितनी एनर्जी होती है, अब हम देखेंगे वन एएमयू में कितनी एनर्जी होती है। सो ई विल बी इक्वल टू मास डिफेक्ट आपका कितना है 1.66 इंटू 10^-27 इंटू 3 इंटू 10^8 होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलता है 1.49 इंटू 10^-10। इसको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, प्लीज आई रिकमेंड दैट यू सॉल्व दिस एंड यू विल बी गेटिंग दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी 6.1, जो कि बहुत छोटा आपको दिख रहा होगा, बट आपने 1 amu कार्बन के एक एटम के बारे में बात है, वो एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात हो रही, बहुत छोटा सा अमाउंट लिया था इसी में छोटी एनर्जी में। अगर इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना हो तो हमें पता है 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट MeV किसके बराबर हो जाता है 1.6 इंटू 10^-13 जूल। तो एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर होगी अगर इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 1.49 इंटू 10^-10 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10^-13। तो आपके पास यही एनर्जी अगर जूल में ना करके हम मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेक करते हैं तो ये होती है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस में दिया जा सकता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि जूल को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड वाइस वर्सा। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में एएमयू में और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपकी बुक में ऑलरेडी दिया गया है, तो प्लीज रेफर दैट एंड अंडरस्टैंड। यहां से हमें एक बात पता चलती है कि ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये कितनी एनर्जी हमको दे सकती है। आज के टाइम पे भी हम पूरी एनर्जी हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हम अब तक भी उनको फुली कंट्रोल करने की प्रक्रिया को नहीं सीख पाए हैं, बट मे बी इन फ्यूचर इट मे बी अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस बिकॉज वी हैव इन अबंडेंस, एनर्जी इज देयर अ लॉट बट वी आर नॉट एबल टू कन्वर्ट दैट इनटू यूजफुल फॉर्म्स, सो मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू दैट। इसके बाद हम सीखेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द वीडियोज अर्लियर प्लीज गो बैक एंड सी देम। इफ देयर इज सम डाउट प्लीज यू नो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो, वी विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।